हेलो स्टूडेंट्स आज हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे ये कक्षा दस के जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है पहला है पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई या एक्स वाई तो पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तैंतीस तैतालीस तेईस छियालीस तो जोड़े में पूछे गए हैं इसलिए मनुष्य में तेईस जोड़े गुणसूत्र होते हैं नेक्स्ट है जीवाश्म का समय कैसे निर्धारित किया जाता है तो जीवाश्म का समय हम फासिल डेटिंग द्वारा निर्धारित करते हैं नेक्स्ट है आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रयोग किया था पपीते का आलू का मटर का या फिर अंगूर का तो मटर का प्रयोग इन्होंने किया था इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है घोड़ा गधा चूहा या घोंघा? तो घोंघा ये अपना लिंग बदल सकता है एनसीआरटी का क्वेश्चन है आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है डीएनए को आरएनए को प्रोटीन को या जीन को तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को माना जाता है इसका पूरा नाम डियाक्सीयबोज न्यूक्लिक एसिड होता है गुणसूत्र बनते हैं प्रोटीन से डीएनए से आरएनए से ए और बी दोनों से तो प्रोटीन और डीएनए दोनों से गुणसूत्र बनते हैं अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और प्रोटीन मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं मनुष्य के शुक्राणु में आटोसोम की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य के सुक्राणु में आटोसोम की संख्या बाईस होती है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जीन है कि हरित लवक है कि गुणसूत्र है कि डीएनए है तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है आनुवंशिकता के जनक कौन है चार्ल्स डार्विन डिब्रीज ग्रेगर जान मेंडल, हरगोविंद खुराना तो अनुवानशिकता के जनक ग्रेगर जान मेंडल हैं इनको जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अनुवंशिकता से संबंधित तीन नियम दिए हैं पहला नियम प्रभाविता का नियम दूसरा पृथककरण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था तो जीन शब्द का पहली बार प्रयोग जॉनसन या जोहसन ने किया था नेक्स्ट है मानव स्पीसीज होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ पर हुआ था तो ये उद्भव अफ्रीका में हुआ था आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुँचाते हैं तो ये अनुवांशिक पदार्थ पहुँचाते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा तो लाल का विपरीत लक्षण सफेद होगा जो अप्रभावी होता है एक संकर क्रास का समलक्षणी अनुपात क्या होता है तो एक संकर क्रास का समलक्षणी अनुपात तीन अनुपातें एक होता है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं विपरीत लक्षणों के जोड़ों को हम एलीलोमार्फ या एलील कहते हैं जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरिस्टोटल लैमार्क डार्विन या डिब्रीज तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक डार्विन हैं। जीन में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं जीन में अचानक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है तो जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई है मनुष्य ने क्रमिक चयन द्वारा जंगली गोभी की पत्तियों की दूरी कम करके कौन सी सब्जी का विकास किया है तो पत्ता गोभी का विकास किया है पृथक का नियम प्रस्तुत किया था मेंडल ने मेंडल ने तीन नियम दिए हैं ये पृथक का नियम दूसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का तीसरा नियम होता है और प्रभाविता का नियम ये पहला नियम होता है पृथ्वी की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थिति वायुमंडल में नहीं थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन की उपस्थिति वायुमंडल में नहीं थी